हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, कल रात को मैंने आपको बताया था किस तरह से भारत का जो ट्रपीज टर्न होने वाला है, द मेजर फायर ट्रपीज टर्न, उसकी तैयारी किस तरह से फिल्म सिटी में चल रही है। मैंने आपको पूरा स्टोरी बोर्ड, उसका स्क्रीन प्ले, किस तरह से उसके जो स्केचेस बने हुए हैं, और आलिया बजफर ने जो फोटो ट्वीट किया इंस्टाग्राम पे वो बताया। लेकिन गाइज, जो ऑल इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है जो सर्कस सेटअप का है, उसमें अली अब्बास जफर कोई भी कमी नहीं रखना चाहते। अलॉन्ग विद द एक्शन कोऑर्डिनेटर्स ऑफ इंडिया, एक स्पेशल आदमी को बुलाया गया। यस फ्रेंड्स, अभी अभी खबर आई है कल सेट पे ही हैज बीन स्पॉटेड, एंड गाइस उसका नाम है सी यंग ओ। यस फ्रेंड्स, सी यंग ओ एक बहुत ही मंझा हुआ एक्शन कोऑर्डिनेटर बोल सकता हूँ, रादर देन डायरेक्टर। ये यूजुअली फिल्मों में ऐसे काम करके निकल जाता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन जब काम सराहा जाता है तब आस्ते आस्ते इसका नाम आता है बाहर। और गाइज, अगर मैं आपको बोलूं कि इस बंदे ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, यस फ्रेंड्स, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए भी एक्शन कोऑर्डिनेट किया था, तो इसमें सरप्राइज मत होना। कुल मिला के 267 पीपल हैड वर्कड इन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, और उनमें से एक एक्शन कोऑर्डिनेटर थे सी यंग ओ। इन्होंने साउथ कोरिया की बहुत सारी फिल्मों में एक्शन दिया है, और ये स्पेशली अली अब्बास जफर के ये जो सर्कस सन्स है, यानी कि ट्रपीज टर्न्स है, जिसमें सलमान खान और दिशा पाटनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको बराबर तरीके से माउंट करने के लिए स्पेशली बुलाए गए हैं, और कल उनको सेट पे देखा गया है। वेल फ्रेंड्स, ये पहली बार नहीं है जब सी यंग ओ कोई इतना बड़ा एक्शन सीन कोऑर्डिनेट कर रहे, तो जस्ट एक्सपेक्ट दिस टू बी एन आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन सीक्वेंस, नंबर वन। नंबर टू, इस स्पेशल ट्रपीज टर्न को करने के लिए अलॉन्ग विद दिशा पाटनी स्पेशल जिमनास्ट बुलाए गए। यस फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा, अपने इंडिया में जिमनास्ट और जो बैलरीन, ये जो फॉर्म है, इतना फेमस नहीं है, गिने चुने लोग इसे करते हैं, लेकिन बल्गेरिया में ये काफी फेमस है। यंग बच्चे, जवान जवान लड़कियां ये फॉर्म करना चाहती है और सीखने में बहुत दिलचस्पी रखती है, इसीलिए अली अब्बास जफर हैज फ्लोन इन स्पेशल जिमनास्ट फ्रॉम बल्गेरिया, विल बी परफॉर्मिंग द एक्रोबेटिक मूव्स इन दिस सीक्वेंस अलॉन्ग विद सलमान खान, दिशा पाटनी एंड फ्रेंड्स। इन लोगों का साथ देने वाले हैं थर्ड कैरेक्टर, जिनका नाम है नन अदर देन सुनील ग्रोवर। यस फ्रेंड्स, कल रात को मैंने आपको बोला था कि आज के दिन शूट होना थोड़ा मुश्किल है, इसका डिले कुछ नहीं है, जस्ट वांट ऑल द स्टंट्स टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। और कल हम लोगों ने जो बाइक की फोटो देखी थी, वो स्टंट में बहुत पुराना खेल है सर्कस में, जिसका नाम है मौत का कुआं। अगर आप सर्कस गए होंगे कभी, तो आपको पता होगा कि मौत का कुआं क्या होता है। इफ पॉसिबल, वो मौत के कुएं का भी रिंग बनाया जा रहा है वहां पे, जहां पर एक आदमी बाइक लेके एक कॉनिकल रिंग में घुमाता है, और वो करना आसान नहीं है गाइज। आई होप वो सीक्वेंस बराबर से हो, इसीलिए गाइज शूट में थोड़ा डिले होने वाला है, लेकिन जहां तक मुझे पता है आज रात तक शूट शुरू नहीं होगी, कल सुबह या मैक्सिमम परसों तक शूट शुरू होगी। ये जो सर्कस का सीक्वेंस है, इसमें सिर्फ तीन लोग रहने वाले हैं, सलमान खान, दिशा पाटनी एंड सुनील ग्रोवर। प्रियंका चोपड़ा विल नॉट ज्वाइन द सेट्स नाउ, मैंने आपको पहले कह दिया था कि शी विल कम इन द फोर्थ लास्ट वीक ऑफ जुलाई। अब वो कैसे क्या प्लान होता है ये बाद में पता चलेगा, फिलहाल ये तीन लोग सेट्स पर आएंगे, बल्गेरियन आर्टिस्ट रहेंगे, सी यंग हु रहेगा, और एक किक एस एक्शन सीक्वेंस इन द सर्कस कोऑर्डिनेट और कोरियोग्राफ किया जाएगा। लेट्स सी किस तरह से शूट होता है, मैं आपको फोटोज लाके बताया करूंगा। टिल देन, कीप वॉचिंग बॉलीवुड दिस वीक, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी यू वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज से, स्टे कूल मैन, भारत।